और हमने 694 लोगों के सैंपल लिए हैं जो कोरोना पीड़ित, जितने पॉजिटिव पाए गए हैं लोग, उनके संपर्क में आने वाले लोग, उन सैंपल्स में से 543 सैंपल्स ये नेगेटिव आए हैं और 29 सैंपल जो पॉजिटिव आए हैं उसमें से भी 10 लोगों को अभी तक डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस प्रकार मात्र 19 लोग अभी हरियाणा में पॉजिटिव केसेस ये रजिस्टर्ड हैं। एक कष्टदायक बात जो कल से इस समय तक आई है, उसमें जैसा आपको पता लगा होगा कि दिल्ली में निजामुद्दीन में जैसा तबलीगी जमात के हजारों की संख्या में लोग ये मई महीने के दूसरे सप्ताह में एकत्र हुए, मार्च महीने के दूसरे सप्ताह में एकत्र हुए थे, वहाँ पर पॉजिटिव कोरोना कुछ लोग उसमें शामिल हो गए और वो फिर बाद में जैसा पता लगने लगा तो उस स्थान को खाली कराया गया और वो लोग देश भर में सब प्रांतों में चले गए। हमें भी इन दो दिनों के अंदर जिन लोगों की जानकारी मिली है हमारे पुलिस विभाग के द्वारा और जो आईबी की सूचनाओं के माध्यम से हमको जानकारी मिली है, 500 से ऊपर लोग ये हरियाणा में भी अलग अलग स्थानों के ऊपर इस समय जो हमें मिले उनको सबको हमने क्वारंटाइन कर दिया है। कोई भी व्यक्ति उनमें से अब अपने स्थानों पर, मस्जिद में अथवा कहीं होटल में अथवा घर में अपनी इच्छा से नहीं रह पाएगा। कम से कम 15 दिन का ये समय कोरोना के इस पीरियड का जो न्यूनतम समय अलग रहने का होता है उनको अब भेज दिया गया है उनके अपने स्थानों के ऊपर। तो इस प्रकार से ये स्टेप हमने इसलिए लगाया है, उठाया है कि बहुत अधिक कहीं इसका फैलाव होता है तो एक बहुत बड़ी दर्दनाक कहानी ये बन सकती है, क्योंकि दुनिया में जो बड़े देशों में कोरोना का जो फैलाव हुआ है, चाहे वो चाइना हो, स्पेन हो, अमेरिका हो, ईरान हो, इंग्लैंड हो, इन सब स्थानों पर ये प्रारंभिक बातें ध्यान नहीं दी गई। हमने वो प्रारंभिक बातें ध्यान देनी शुरू की हैं, जिसमें से इस देश में, भारतवर्ष में और हरियाणा में खास करके हम लोग अभी तक उस बचाव में हैं। लेकिन हम लोग इसकी और सावधानी बरतेंगे तो कम से कम ये जो हमारा इतने लंबे समय तक जिस में से हम बचे रहे, इस प्रकार के किसी भी बात के बचाव में हम लोग आएंगे। अब मैं आज विशेष एक बात के ऊपर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि हम लोगों को जैसे कोरोना के समय पर घर में रहने के लिए, परिवार में रहने के लिए एक प्रकार से बाध्य होना पड़ा है, किसी की भी इच्छा नहीं कि इतने लंबे समय तक वो अपने परिवार के अंदर रहे। आज हम परिवार के साथ रह रहे हैं, कोई लोग, कुछ लोग परिवार से बाहर भी जो इस बीमारी को दूर करने के लिए हमारी सेवा कर रहे हैं, उसमें काम कर रहे हैं, राष्ट्र रक्षक बन करके वो परिवार के बाहर काम कर रहे हैं भले ही, लेकिन हेतु एक ही है कि हम सबका परिवार सुरक्षित रहे, उनका परिवार भी सुरक्षित रहे। और जिस परिवार की मैं बात करूंगा उसमें एक और कल्पना भी है कि एक परिवार चार दीवारी में रहने वाला हमारा परिवार, माता पिता बच्चे, हमारे पति पत्नी और भी बुजुर्ग आदमी भी हो सकते हैं, इस परिवार के साथ साथ एक बड़ा परिवार जिसको पूरे देश का हमारा परिवार है, एक राष्ट्रीय परिवार है, उस पूरे परिवार की हम चिंता करते हैं। और आज तो केवल राष्ट्र के परिवार की बात नहीं बल्कि दुनिया के ऊपर ये आपत्ति आई है और हम तो ये समझेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम मानवता को बचाने का विषय है। इसलिए इस बड़े संदर्भ में भी बहुत लोग जो हैं अपने घर से बाहर काम में लगे हैं, उनके परिवारों की चिंता भी हम सबको करनी होगी। तो इसलिए आज समय, इस समय ऐसा है कि हमको अपने समय को अपने घर में रह करके हर काम को करते हुए भी किस प्रकार से बिताना है हमें उसकी थोड़ी चिंता करनी है। हम जीवन में कई बार देखते हैं कि अपने कामों में इतने व्यस्त रहते हैं और कभी कभी तो कहते हैं कि हमारे पास समय ही नहीं है, हमें परिवार संभालने का समय नहीं है। तो उस प्रकार से परिवार को संभालने का समय नहीं, हम अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं उसके लिए समय नहीं, लेकिन चाहे दुर्भाग्य से आया हो, दुर्दैव से आया हो, 21 दिन का समय हमको ऐसा मिला है कि वो जो शिकायत है प्रभु से कि प्रभु हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास पर्याप्त 21 दिन का समय उपलब्ध हुआ है। इस 21 दिन के समय को किस प्रकार से हमको उपयोग करना है इसका बहुत अच्छा सुनहरा अवसर इस समय है। जैसे कई बार व्यक्ति में, परिवार के कुछ सदस्यों में कई बार बुरी आदतें होती हैं, उन बुरी आदतों को भी हम छोड़ सकते हैं।
बीड़ी पीना छोड़ सकते हैं, सिगरेट पीना छोड़ सकते हैं, शराब पीना छोड़ सकते हैं, कोई भी बुरी आदत है उसको हम छोड़ सकते हैं। और ये 21 दिन का समय ऐसा समय होता है, लोग कहते हैं कि आप किसी अच्छी आदत को लगाना चाहते हैं तो आप 21 दिन का अभ्यास करिए, और अगर आप किसी बात को छोड़ना चाहते हैं तो आप 21 दिन उस बात को छोड़कर देखिए, वो आपका स्वभाव बन जाएगा। तो हमें संयोग से 21 दिन का ये समय मिला है, इस 21 दिन के समय को हम लोग को अच्छे कामों में लगाना है। अगर मैं इस काम के लिए अपने स्वयं की दिनचर्या बताऊं तो मैंने आजकल अपना शारीरिक व्यायाम ये 45 मिनट से बढ़ा करके 1.5 घंटा शुरू कर दिया है। मैंने अध्ययन का, चूंकि बहुत समय मिलता नहीं था अध्ययन के लिए, अध्ययन का काम भी शुरू किया है। 1 घंटा नियमित मैं अपनी पुस्तक पढ़ने में भी लगाता हूँ, और इस प्रकार से बहुत से ऐसे विषय जो शायद बहुत पहले हम करते रहे हैं वो करने के लिए हमें समय मिलता नहीं था, लेकिन अब वो समय भी मिलता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मेरा कंप्यूटर पर बैठने का शौक है, लगातार की दिनचर्या में संभव होता नहीं था, आजकल मैं 1 घंटा पूरा समय अपने कंप्यूटर पर भी कुछ अध्ययन करने के लिए, कुछ अच्छी बातों को सीखने के लिए, देश दुनिया में बहुत बड़ा ज्ञान पड़ा है उस ज्ञान को समझने के लिए, जैसे हमें किताबों का अध्ययन आवश्यक है ऐसे हम कंप्यूटर का भी उपयोग कर सकते हैं। तो इस नाते से ये भी हम उपयोग अगर करते हैं तो उस नाते से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। आज समय, पुराना समय जब याद करते हैं तो समय ऐसा था जब हम बचपन थे, न टीवी था, न इंटरनेट था, रेडियो भी किसी किसी घर में होता था, टेलीफोन भी कहीं कहीं मिलते थे। आज हमारे पास सब सुविधाएं हैं, मोबाइल है, मोबाइल पर भी तरह तरह की सुविधाएं हैं, इन सब सुविधाओं के माध्यम से आज उसका हम घर में बैठ करके भी उपयोग कर सकते हैं। पहले पुराने समय में ज्वाइंट फैमिली होती थी, ज्वाइंट फैमिली में के बड़े अपने लाभ होते थे हम परिवार में। अब वर्तमान में जितने लोग हैं सब अपने अपने काम में लगे रहते हैं, एकांगी परिवार हो गए हैं, लेकिन 21 दिन का समय ऐसा मिला है परिवार के लोग इकट्ठे बैठकर एक स्थान पर सब बातचीत भी कर सकते हैं, हम बच्चों को कहानियां भी सुना सकते हैं, घर में बुजुर्ग हैं, दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, प्राचीन काल में जैसे कहानियां सुनाते थे आज उन कहानियों को सुनने का सुनाने का इस 21 दिन का उपयोग कर सकते हैं। दादा दादी न भी हो तो माता पिता ये भूमिका निभा सकते हैं। तो इस प्रकार हम अपनी रुचि के अनुसार, कोई पेंटिंग करना चाहता है, किसी संगीत में किसी की रुचि है, किसी में किसी को अपने पुस्तक पढ़ने में रुचि है, कुछ बंधु ऐसे होते हैं जिनकी कुकिंग में रुचि होती है, अपने परिवार में पत्नी का हाथ बटाने के लिए हम कुकिंग का अपना शौक भी पूरा कर सकते हैं, पत्नियां भी हमारी खुश हो सकती हैं, चलो कम से कम पति 21 दिन के लिए कुकिंग के अंदर साथ निभाने लगे हैं, उनको थोड़ा राहत भी मिल सकती है, उनके मन को प्रसन्नता भी होगी। पति पत्नी के बहुत से ऐसे विषय होते हैं जो मजाक में चलते रहते हैं, मुझे तो उस प्रकार का कोई अवसर मिलता नहीं है, लेकिन जो परिवार के लोग हैं, पति पत्नी वाले हैं, बहुत प्रकार के उनके मजाक चलते हैं। इस प्रकार के समय का उपयोग वो पूरा करना चाहिए, इसका बहुत बड़ा एक लाभ हमको हो सकता है। नई चीजें सीखने के लिए मुझे एक अपना अनुभव याद आ रहा है, ये 1980 की बात है, उस समय मुझे एक बार दक्षिण भारत जाने का मौका मिला, और दक्षिण भारत में मैं एक व्यवसाय में काम में अपना करता था, तो मुझे इरोड सेलम दो ऐसे स्थान है तमिलनाडु के, वहां मुझे रहने का अवसर मिला। लगभग 20 दिन, जैसा अभी 21 दिन का ये समय है वो भी लगभग 20 दिन का समय मैं होटल में रहता था। वहां पर हिंदी की जानकारी लोगों को नहीं थी, अंग्रेजी भी कुछ टूटी फूटी कुछ हमको आती थी, कुछ वहां के लोग बोल लेते थे, लेकिन फिर भी इच्छा हुई क्यों नहीं इनकी भाषा सीखी जाए। तो मैंने उन 21 दिनों में तमिल का ज्ञान प्राप्त किया, एक दक्षिण भारत की भाषा सीखने का अवसर मुझे, जो 20 दिन का ऐसा पीरियड था जब मुझे अकेले रहने का अवसर मिला, वो मैं सीखा, और आज उसके कारण से तमिल भाषी बहुत से लोग मेरे मित्र बन गए। ऐसे कोई भी नई चीज सीखने का, सिखाने का एक अवसर है, इस अवसर का हम उपयोग करें। परिवार में इकट्ठे बैठ के आनंद लेते हुए भी हम अपने समय का यानी उसको व्यतीत कर सकते हैं। मैं एक छोटा खेल बताता हूँ आपको, परिवार के अंदर बच्चे हैं, बड़े हैं, सब 5-6-7 लोग हैं, मानो मिल करके हम बैठते हैं और हम एक खेल खेल में एक अपनी ज्ञान का वर्धन भी सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं। मानो सबके हाथ में हमने कागज पकड़ा और उस कागज पर कहा कि आप अपनी फेवरेट 5 बातें ये लिखिए, किसी को कहा आप अपने फेवरेट खेल का नाम लिखिए, किसी को कहा अपने फेवरेट हीरो का नाम लिखिए, किसी को कहा अपने बेस्ट फ्रेंड का, जो अच्छा आपका फ्रेंड है उसका नाम लिखिए, आपका कौन सा मनपसंद कलर है वो लिखिए, आपका मनपसंद भोजन कौन सा है वो आप लिखिए, आप कौन सी यूनिवर्सिटी
इसको कौन सी को पसंद करते हैं वो आप लिखिए, किताब कौन सी आपकी पसंदीदा है ये आप लिखिए, अपना अपना जन्मदिन लिखिए, जन्मदिन लिखिए, एनिवर्सरी के समय की कुछ घटनाएं वो लिखिए अगर शादीशुदा लोग हैं तो। इस प्रकार से अगर आप देखेंगे और जब सब कागज इकट्ठे करेंगे, इकट्ठे करके उनका पढ़ेंगे, तो मैं आपको बताता हूँ कि ताज्जुब होगा आपको बहुत सी नई नई जानकारियों का, जो सामान्य अवसर पर आपको अपने परिवार के सदस्यों के बारे में भी जानकारी नहीं होगी कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा भाई, मेरी बहन, उनके कौन कौन से शौक हैं, उनकी पसंदीदा चीज़ें क्या क्या हैं। तो एक खेल खेल के माध्यम से हम बहुत सी जानकारियाँ उनकी ले सकते हैं, उनकी कर सकते हैं। इस प्रकार मित्रों, इस समय का उपयोग हम लोग करें, इसका एक बहुत बड़ा लाभ ये हमको होने वाला है। कल जैसे मैंने बताया था कि हम घर में रह के योग, प्राणायाम, ध्यान, इसके माध्यम से अपना आध्यात्मिक स्तर को भी ऊंचा कर सकते हैं। हम शारीरिक इस नाते से खेल खेल सकते हैं, बच्चों के साथ खेल सकते हैं, आंगन में खेल सकते हैं। अब बच्चों के लिए जब मैं कहूँगा, तो जब बाहर बच्चों के पहले तो जाने का उनको अवसर मिलता था, उस अवसर पर बच्चे अपना खुल करके खेलते थे, करते थे। अब उन्होंने उनको घर के अंदर रहना पड़ता है, और घर के अंदर जब वो रहेंगे तो उनकी मनस्थिति, ये कोई उनको लगता है कि अभी हम तो एक्सप्रेशन, जो हमको फुल फ्रीडम थी एक्सप्रेशन की, आज हमको सप्रेशन किया जा रहा, दबाया जा रहा है। तो बच्चों का कहीं विकास रुके नहीं, इसलिए उनको अपने सप्रेशन की बजाय उनको एक्सप्रेशन का एक अवसर मिले, तो उन बच्चों के साथ मिल बैठ करके भी हमको अपना जो समय है वो बिताना चाहिए, उसका भी बहुत बड़ा हमको लाभ होगा। और कई बार कुछ कृतियाँ, कुछ गुण ऐसे होते हैं, बच्चों के भी होते हैं, बड़ों के भी होते हैं, नौजवानों के भी होते हैं, उनकी कुछ कला की, कुछ कविता की, कुछ कहानी की, कुछ पढ़ने लिखने की, इस प्रकार के शौक भी होते हैं। जैसा हमने एक प्रयोग शुरू किया है कि हमने अपने एक वेबसाइट बनाई है कि कुछ नौजवान अपनी कलाकृति ये हमको अगर लिख के भेजेंगे तो उसका उपयोग हम करेंगे, और उनको उनकी कलाकृतियों के हिसाब से उनको पारितोषिक भी प्रतिदिन दिया जाएगा। ये हमने कोविड संघर्ष सेनानी की जो एक वेबसाइट बनाई थी उसी में एक प्रतियोगिता का जिक्र भी किया था, और बहुत सी कृतियाँ हमारे पास आ रही हैं, उनका हम प्रतियोगिता में चयन करा करके 100 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक का इनाम भी हमने रखा हुआ है, लगातार उनके पास भेजते हैं। मेरे पास भी बहुत सी कृतियाँ आई हैं, अभी मैं उसमें से कुछ कृतियाँ आपको पढ़ करके सुनाता हूँ। मनीष जोशी, पुत्र श्री रविंद्र जोशी, वार्ड नंबर 13, कृष्णा कॉलोनी, नारायणगढ़, जिला अम्बाला, उन्होंने कृति भेजी है मुझे, और वो कृति है, भले ही कुछ दिन तंग रहें पर कोरोना पर जारी जंग रहे, आखिर अपनी खातिर इतना करना बस परिवार के संग रहे, इतना तो सब ढंग रहे, बचा जीवन का रंग रहे, 21 दिन करो तपस्या, ऐसी तपस्या देख कर सारे दंग रहे, बनकर मलंग मस्त रहे, बनकर मस्त मलंग रहे, घर रहने का व्रत ना भंग रहे, कोरोना जल्दी ही भागेगा, सजग समाज का हर अंग रहे। अब एक संदेश भी है, बच्चे की कृति भी है, बहुत अच्छी लगी कि कोरोना को लेकर के हमको एक उपदेशात्मक बात ये बताई है मनीष जोशी ने। तो इस प्रकार से इस बालक की इस कविता को देख करके मुझे लगा कि आपको ये मुझे सुनानी चाहिए। एक इसी प्रकार का एक और रचना उल्लेख करना चाहूँगा, कृष्ण राघव, पुत्र श्री शिवचरण सिंह, गांव पालड़ा, जिला गुरुग्राम, लिखते हैं, गंभीर हो जाए समय रहते परिणाम वरना गंभीर पाएंगे, सरकारी आदेशों का पालन हो तो कोरोना से लड़ पाएंगे, शासन प्रशासन गंभीर है अपना, क्या हम भी गंभीर हो पाएंगे, अब किसी को आजमाए ना बस खुद को ही आजमाए, वक्त बड़ा ही नाजुक है अपना राष्ट्र धर्म निभाए। यानी बच्चे इन कविताओं के माध्यम से कितना बड़ा हमको संदेश दे रहे हैं, इसके आधार पर ही हमको अपना जीवन को आगे बढ़ाना है। और 21 दिन का समय एक संयम से, अनुशासन से यदि हम अपने घर में बिताएंगे तो आने वाले बहुत बड़े संकट से हम लोग अपने आप को बचा पा रहे हैं, परिवार को बचा लेंगे, अपने समाज को बचा लेंगे, ये आपसे पूरा निवेदन करता हूँ। अपने घर में रहते हुए बहुत प्रकार की कथा कहानियाँ ये भी सब सुनाते हैं। एक नौजवान की कहानी मेरे पास आई और वो कल्पना कर रहा है, कल्पना क्या कर रहा है कि कोरोना के कारण से इस एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, वो जब मर गया तो मर के परमात्मा के पास गया और भगवान को कहने लगा कि मैं आपसे बड़ा नाराज हूँ, बड़ा नाराज था भगवान से। भगवान ने पूछा, नाराज क्यों हो? वो आदमी बोला कि मैं वहाँ कोरोना से मर गया
और आप बचाने भी नहीं आए। भगवान का एक प्रकार से भक्त था, तो उसको अपने भगवान पर ये रोष हुआ कि मैं वहां कोरोना से मर गया हूं, आप मुझे बचाने नहीं आए। तो भगवान ने कहा, कह रहे मूर्ख, कितनी बार तो आया था। भगवान सीधा सीधा नहीं आता, भगवान अलग अलग रूप में आता है। वो कहता है कि कितनी बार तो आया था, कभी पुलिस वाला बन के, कभी डॉक्टर बन के, कभी सफाई कर्मचारी बन के, कभी कुछ और बन के, वीडियो से आया, फोन से आया, टीवी से आया, और जहां जहां से आ सकता था आया। पर मूर्खानंद, तू नहीं माना, और जब नहीं माना तो फिर ये हाल हुआ। अब तो कोई अर्जुन तो था नहीं कि मैं स्वयं प्रकट हो जाऊं तेरे सामने। तो जैसा था वैसा मैंने तुझे समझाया, समझ जाता तो मरता नहीं। भले एक कहानी है, लेकिन इस कहानी के माध्यम से एक सीख भी मिलती है, और एक जिसने भी कहानी बनाई होगी उसका अपना एक बौद्धिक उसकी क्षमता भी ये निकलती है, ये बनती है। तो इसलिए मित्रों, हम लोग घर में बैठ करके इन सब बातों को और आगे बढ़ाएं, और आगे बढ़ाते हुए हम परिवार से के साथ अपना जो लगाव है वो बनाकर रखें। कभी कभी परिवार के छोटे मोटे संकट होते हैं, सास बहू के झगड़े, पिता पुत्र के झगड़े, भाई भाई के झगड़े, और परिवार में बहुत बुजुर्ग लोग उस पर परेशान भी होते हैं, हम उनको भी निपटा सकते हैं, बैठ करके साथियों से बातचीत कर सकते हैं। हमारे परिवार में कोई वृद्ध है, वृद्ध को जब अकेलापन महसूस होता थोड़ा उसको बड़ा कष्ट होता है। आज हम उसके सुने ऐसा नहीं, उनके अनुभव, पुराने अनुभव, आखिर जब कभी वो अपनी युवावस्था में थे, उस यौन अवस्था में उनके किए हुए काम बहुत अच्छे अनुभव, भले वो पढ़े लिखे कम होंगे लेकिन अनुभव की बातें बहुत अच्छी उनके समय की हमको मिलती हैं। मैं फिर से एक अपना विषय, अपना किस्सा सुनाता हूं। मैं जब 27 वर्ष का था तो घर से, 27 नहीं, उस समय मेरी आयु तो मात्र 18-20 वर्ष की थी, जब मैंने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ करके और दिल्ली में व्यापार करने के लिए मैं चला गया। तो मेरे दादाजी वो सामान्य अपना काम काज करते थे, अपना व्यापार करते थे, उसमें से उन्होंने बताया कि बेटा एक काम करना, तुम दिल्ली जा रहे हो, व्यवसाय करते समय बहुत सी कठिनाइयां आएंगी, एक बात का ध्यान रखना, तुम्हारे पास जितनी अपनी पूंजी है उतनी ही पूंजी बाजार से उठाना, उधार लेना, इससे ज्यादा मत उठाना, कभी भी संकट आ सकता है। अब ये ज्ञान उनको था जो हमको इतने वर्षों तक नहीं हुआ, लेकिन आज जब सारी देश और दुनिया की आर्थिक स्थिति को हम देखते हैं, इकोनॉमिक अफेयर्स के लोग भी अब कहते हैं कि नहीं, हमारी हर प्रकार से जो मार्केट डेट का रेशो, ये जरूर निश्चित होना चाहिए, मार्केट डेट के रेशो के बिना कोई भी, चाहे व्यवसायिक संगठन हो, चाहे वो उद्योग हो, चाहे वो सरकार हो, कोई भी संगठन हो, उस सीमा को अगर पार करेगा तो उसको हमेशा नुकसान होगा। ये बात आज से मानो लगभग 40 वर्ष पहले हमारे दादाजी ने हमको बताई। कोई पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ थे, लेकिन ये ज्ञान उनको था। तो ऐसे ज्ञान की बातें भी हमको उन अपने पुराने लोगों से बैठ करके और ये जरूर सुननी चाहिए। इस प्रकार का अगर हम लगातार ये काम करते रहेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने परिवार के अंदर अपनी आदतों को भी अच्छा कर पाएंगे और अपने इस विषय को भी बढ़ा पाएंगे। आज मैं केवल इतना ही विषय आपके सामने रखना चाहता हूँ कि बहुत से ऐसे अभी अवसर और आएंगे जिसमें हमको सावधानी बरतनी होगी। और जैसा प्रदेश के नाते हम सोचते हैं कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति, ये जैसे कल मैंने उल्लेख किया था कि काफ़ी गड़बड़ाने की संभावनाएं हैं। जैसे पिछले महीने मार्च समाप्त होते ही हमारा रेवेन्यू कम हुआ, निश्चित रूप से अप्रैल के महीने भी कम होगा। बहुत लोग तो कहते हैं कि आगे आने वाले 2-3 महीने तक भी इसकी समस्या बनी रहेगी। और उसके कारण से मैं प्रदेश के सब लोगों से आह्वान करता हूँ, और आह्वान इस बात का करता हूँ कि हम लोग ये जो हमने कोरोना रिलीफ फंड बनाया है इसमें अधिक से अधिक सहयोग करें। इसमें प्रतिदिन लोग सहयोग कर रहे हैं, आज जैसे मैंने आंकड़ा देखा है तो लगभग 24 करोड़ रुपया कोरोना रिलीफ फंड में ये हमको प्राप्त हो चुका है। एक निवेदन हमने अपने कर्मचारी, सरकारी कर्मचारियों से किया था कि वो अपनी सैलरी का, बेसिक सैलरी का कुछ प्रतिशत अवश्य इसमें योगदान करें। उसके लिए हमने एक पोर्टल बनाया है और उस पोर्टल के माध्यम से हर कर्मचारी को कहा है कि अपनी स्वेच्छा से उसके अंदर वो योगदान करें। आज ही मैं उसमें देख रहा था 0% से लेकर 100% तक बहुत लोगों ने अपने अलग अलग प्रकार का योगदान किया है। लगभग 46,000 लोगों का इस समय तक योगदान, उसका फॉर्म भरा जा चुका है, जो लगभग इस समय तक
24 करोड़ रुपए से ऊपर जिसकी राशि हो चुकी है। और बहुत से लोगों ने अभी भी कहा है कि इस समय का और दो दिन, क्योंकि कल उसका आखिरी तारीख है, लोगों ने कहा कि इसके दो दिन और बढ़ाने चाहिए। बहुत से लोगों को उसका पोर्टल की जानकारी थी नहीं, जिनको आज ही जानकारी मिली है, तो बहुत से बोर्ड, कॉरपोरेशन, यूनिवर्सिटी के हमारे एम्प्लॉइज, ऐसे बहुत से एम्प्लॉइज हैं जिनके लिए आज से हम और व्यवस्था करेंगे ताकि वो भी उसके अंदर अपना योगदान करें। अब इस राशि का खर्च हमको प्रदेश के हित में ही करना है। जैसा केंद्र सरकार ने बहुत सी योजनाएं लागू की हैं, 1,70,000 करोड़ रुपए की एक पैकेज ये सरकार ने घोषित किया है, जिसमें गरीब परिवारों के लिए, जिसमें चिकित्सा और मेडिकल के जो काम में लगे हुए ऐसे हमारे कर्मचारी बंधु हैं उनके लिए, ऐसे गरीब परिवारों के लिए बहुत से ऐसे विषय उस दिन घोषणा की गई थी जिसका हमको सीधा लाभ होगा। हमने भी प्रदेश में जिस प्रकार से गरीब परिवारों को, चाहे मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना है, चाहे 1,000 रुपया सप्ताह का देने की बात हमने कही है, उसको देना शुरू कर दिया है। अभी तक लगभग 250 करोड़ रुपया ये जा चुका है, आगे लगातार वो भी जाता रहेगा। और हम इसमें इस महीने का 1,500 करोड़ रुपये का हमारा जो बजट है वो इसके अंदर खर्च होने वाला है। एक और घोषणा मैं करना चाहता हूँ कि जैसे हमारे सरकारी जितने भी डॉक्टर्स, कर्मचारी जितने भी कोरोना के साथ लड़ाई लड़ते समय अपनी ड्यूटी पर, उनको अगर कोई नुकसान हो जाता है, अगर किसी की मृत्यु होती है, तो केंद्र सरकार ने उसका एक घोषणा की है, उसके बीमा की एक बीमा की राशि उनको मिलेगी, 90 दिन तक वो प्रावधान लागू रहेगा। मैं आज ये घोषणा करना चाहता हूँ कि जिन लोगों को केंद्र सरकार के इस घोषणा से लाभ होगा, कुछ लोग ऐसे होंगे जो उसमें से बाहर रह जाएंगे, फिर भी कोरोना की इस कठिनाई के कारण से हो सकता है उनको कोई ना कोई कठिनाई आ जाए, मानो किसी को कोरोना से प्रभावित लोगों का रोग उनके कारण से लगता है, उनकी मृत्यु होती है, तो ऐसे सब लोगों के लिए हमने जो घोषणाएं करनी है, उसमें से खास करके प्राइवेट डॉक्टर्स, प्राइवेट अस्पतालों के डॉक्टर्स हैं, उनके नर्सेज हैं, पैरामेडिक्स हैं, वहाँ भी कर्मचारी, अन्य कर्मचारी हैं, तो ऐसे लोगों के लिए जैसा पहले हमने घोषणा करके बताया था कि डॉक्टर्स के लिए 50 लाख रुपए, नर्सेज के लिए 30 लाख रुपए, पैरामेडिक्स के लिए 20 लाख रुपए और अन्य चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी, सफाई कर्मचारी आदि, उनके लिए 10 लाख रुपए। ये घोषणा प्राइवेट अस्पतालों के लिए भी हम लोग आज उसकी घोषणा करते हैं, ताकि प्राइवेट अस्पताल में भी किसी को कोई घबराहट ना हो, ऐसे संकट के समय उनको भी इलाज के लिए आगे आना चाहिए। और कोई व्यक्ति कोरोना से प्रभावित यदि वहाँ पहुँचता है तो उसको निसंकोच होकर के और उसका टेस्ट भी करना चाहिए, उसका इलाज भी करना चाहिए, और यदि ज़्यादा सीरियस है तो उसको जो कोविड हॉस्पिटल है उसमें रेफर करना चाहिए। इसी प्रकार जो हमारे पुलिस सुरक्षाकर्मी लगे हैं, ऐसे सुरक्षाकर्मी भी यदि इस कोरोना की चपेट में कोई किसी दुर्भाग्य कारण से आ जाता है, उनके लिए भी हम 30 लाख रुपया एक्सग्रेशिया उनके लिए भी घोषणा करते हैं कि 90 दिन के लिए वो भी इसमें कवर होंगे। ऐसी किसानों के लिए एक सूचना है कि जिन किसानों ने अपना ऋण वापस करना था, जो सॉफ्ट लोन होता है फसली ऋण, उसको 15 अप्रैल तक उन्होंने वापस करना था, अब उनकी तिथि जो है वो बढ़ा करके और 30 जून कर दी गई है, इसलिए 30 जून तक वो अपने पैसे को, ऋण को वापस कर सकते हैं, ताकि उनको जो इंटरेस्ट सबवेंशन है उस पीरियड का उनको केंद्र सरकार का और प्रदेश सरकार का ये मिल सकेगा, इसलिए उसके ऋण की भी अवधि ये बढ़ाई जाती है। अंत में मैं आपसे अपील करता हूँ कि आप इन सब बातों का ध्यान रखें, और कोई भी कारण हो, बिना कारण से घर के बाहर नहीं निकलना है। मैं अंत में 2 पंक्तियाँ दोहराना चाहूँगा, गुलजार की शायर, एक मशहूर शायर हुए गुलजार, उनकी पंक्तियाँ याद आ रही हैं, बेवजह घर से निकलने की ज़रूरत क्या है, बेवजह घर से निकलने की ज़रूरत क्या है, मौत से आंख मिलाने की ज़रूरत क्या है, सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल, कोरोना की हवा कातिल है, सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल, यूं ही कातिल से उलझ जाने की ज़रूरत क्या है। तो कृपया हम लोग अपना संयम बनाकर रखें, घर में रहें, परिवार के सदस्यों के साथ हम अपना समय बिताएं, और इस समय का उपयोग, जैसा मैंने चर्चा की, उसकी चर्चा लगातार उसका उपयोग करते रहें, और अपना विकास, शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, मानसिक विकास, आध्यात्मिक विकास, इस 21 दिन के बाद
जब हम घर से बाहर निकले तो शक्तिशाली बन करके निकले, यही मेरा आपसे निवेदन। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि मरकज से लौटे हुए लोगों को हम ट्रेस कर रहे हैं, 500 से ज्यादा लोगों को क्वारंटाइन किया जा चुका है। दरअसल बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ साथ बहुत ही पॉजिटिव संदेश देते हुए आज प्रदेश के मुखिया नजर आए हैं। उन्होंने जानकारी दी कि 13,000 लोगों की निगरानी सरकार कर रही है और कैसे आप अपना वक्त जो है 21 दिन का ये वक्त उसको कैसे आप बिता सकते हैं, ये तमाम बातें मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से कही गई हैं। और साथ ही उन्होंने अपने कुछ एक्सपीरियंस, अपने कुछ अनुभव भी लोगों के साथ साझा किए हैं। कहा कि अच्छे कामों में अपना वक्त बिताएं, हमें सावधानी बरतनी है क्योंकि सावधानी ही इलाज है, सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि 1500 करोड़ का बजट जो है इस पर खर्च होगा। उन लोगों का धन्यवाद किया जो कि सहयोग दे रहे हैं अपना लगातार, कोरोना का इलाज कर रहे डॉक्टर्स के लिए क्या कुछ योजना है ये भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताई है। डॉक्टर्स के लिए 50 लाख रुपए का बीमा ये योजना, डॉक्टर्स के लिए 50 लाख रुपए के बीमा की योजना, नर्स के लिए 30 लाख रुपए का बीमा योजना, तमाम योजनाएं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने संबोधन के जरिए बताई हैं। कहा कि मरकज से लौटे हुए लोगों को लगातार ट्रेस कर रहे हैं। दरअसल अब जो भी सरकारें हैं उनका, राज्य सरकारों का यही एक प्राथमिकता है, प्रायोरिटी है कि जो भी लोग निजामुद्दीन से आए हैं, जो तबलीगी ये जमात से वापस लौटे हैं, इनको किस तरीके से ट्रेस किया जा सकता है ताकि संक्रमण जो है वो ज्यादा ना फैले। ऐसी ही प्राथमिकता जो है वो तमाम सरकारों की इस वक्त है। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी अपने संबोधन के शुरुआत में ही ये कहा कि 500 से ज्यादा लोगों को हम क्वारंटाइन कर चुके हैं और इसके साथ जो बाकी के लोग हैं उनकी ट्रेसिंग लगातार जारी है। 13,000 लोगों पे सरकार नजर बनाए हुए है और अब हमें सावधानी बरतने की जरूरत है। एक बार फिर से उन्होंने